पैसे बहुत बाटी है, सीट बेल्ट लगाओ राइट शोल्डर से और यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अभी आगे मैं बताता हूँ। लेफ्ट पैर आपका क्लच दबाएगा जैसे बाइक में दबाते हैं, राइट पैर से एक्सीलेटर और ब्रेक, ABC बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, ABC, एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच, ठीक है। ये होते हो पैरों के काम, पूरा दबा दो, क्लच भी पूरी दबा दो, हल्का सा ब्रेक ले लो। उसके बाद क्या करना है, तभी आपने हैंड ब्रेक नीचे करना है, हैंड ब्रेक नीचे कर दो, क्लच दबी रहेगी, गियर पे हाथ लाओ लेफ्ट वाला, गियर चेक कर रहे हैं हम, आगे गियर निकल गया, गियर पीछे गियर और निकल गया गियर, ठीक है। एक बार हाथ हटाओ, जिन गाड़ियों में नंबरिंग होती है वो होती है गाड़ी गियर वाली कार, जो प्लेन आ रहा है आजकल और साइड में लिखा रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड, वो होती है ऑटोमेटिक कार, ठीक। राइट में ऐसा सेट करो कि आपको सड़क दिखे और गाड़ी दिखे, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। उसके बाद आपने सेंटर में सेट कर लेना है, राइट हैंड से स्टीयरिंग यूज करना है, हॉर्न यहाँ पे दिया हुआ है, इंडिकेटर देखो, चाबी ऑन कर लेते हैं एक बार। अगर आप लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट का इंडिकेटर, राइट करेंगे राइट का इंडिकेटर, किसी कारण से नहीं आया, आ गया, और अपने आप ऑटो कट बंद हो जाता, बंद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेफ्ट में आपने ऐसी सेट करना है कि सड़क दिखे गाड़ी दिखे, सेंटर में इतना बढ़िया सेट कर लो, आपको सबसे ज्यादा इसी में देखना होता है कि पूरा पीछे दिखे, ठीक है। और क्लिच दबा के आपने गाड़ी स्टार्ट करना है, जैसे आपके पास एस क्रॉस है, क्लिच दबा के गाड़ी स्टार्ट कर दो, चाबी ऑन करो, 2-3 सेकंड के लिए आपने चाबी को आगे घुमा देना, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा हाथ गियर में बताओ जैसे मैंने बताया हुआ है, लेफ्ट कर दो से और आगे ढकेल दो। अब ध्यान रखो राइट पैर से हल्की सी रेस ले रहे हो, क्या ले रहे हो, और हल्की एड़ी दबी रहेगी, पंजा लूज करो ऊपर और समय लगाओ 10 कदम के लिए, धीरे धीरे करके आपने गाड़ी को चलाते जाना, क्या करना है, धीरे धीरे हल्का हल्का रेस करके चलो, सड़क के साथ साथ चल रहे। अब हमने समय का वेट करना है सेकंड गियर के लिए, क्या करना है, सेकंड गियर के लिए तो लेफ्ट देखो, सेंटर देखो, राइट देखो, रेस बढ़ाओ 20 का, तीनों को देखते हुए अपने आप को अलर्ट रखते हुए। अपना जो मेथड है डीपीएस, एक तो नॉन स्टॉप बोल के सिखाते हैं, रोज रोज वीडियो बनाते हैं, साथ ही साथ कॉपी में ड्रॉ करके गियर समझाते हैं और साथ ही साथ आपको क्या करें, डेमो देते हैं, फिर आपको बिठाते हैं। रेस बनाओ, रेस को छोड़ के क्लिच दबाओ लेफ्ट वाला पैर और झुकाते हुए 2 बार पीछे, 1-2-2, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ते हो। अब यहाँ गियर के अकॉर्डिंग आपने रेस को ध्यान रखना है और उसका ध्यान रखना है डिस्टेंस का। जब आप फर्स्ट गियर में रेस रहेगी 0-20 की, चलाना 15 तक है और सामने वाली गाड़ी से डिस्टेंस रहेगा कम से कम 15 कदम पीछे। सेकेंड गियर में चल रहे सीधा चल रहे हैं तो रेस रहेगी आपकी क्या कहते हैं 20-30 की और सामने वाली गाड़ी डिस्टेंस मेंटेन करना है 20-25 का, ठीक है। रेस मेंटेन करके हाथ हल्का रखते हो, सीधे सीधे चलते रहो। तो दीपेश बॉस लग रहा है, नमस्कार, तो मैं आपको ड्राइविंग सिखा दूंगा, रेस मेंटेन करो, हाथ हल्का रखो। मैं चाहता हूं कि बंदा ऐसा सीखे कि उसे अपने आप की गाड़ी खुद मेंटेन रखना आ जाए। सर्विस वगैरह तो अपने मिस्त्री से ही करानी है ना, तो वो काम हम नहीं कर सकते क्योंकि कुछ चीज़ बचाने के चक्कर में बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। रेस बना के हाथ हल्का रखते हुए सिया सिया चलते रहो। सिंगल रोड है तो लेफ्ट चलेंगे और डिवाइडर वाला रोड है तो डिवाइडर भी चल सकते हैं। लेफ्ट जाना छोटा मोड करते हैं, राइट जाना तो बड़ा मोड करते हैं। कोई दिक्कत है काम समझने में? नहीं, गुड, चलते रहो। आज हम फर्स्ट सेकंड गियर पे काम करेंगे। करेंगे प्लस का निशान बनाएंगे, जो मैं डायरेक्ट लैंड कर रहा हूँ ये न्यूट्रल की लैंड क्या है। अगर आपका गियर ऐसे खड़ा रहे, ऐसे गियर माउंट पर खड़ा रहता है, अगर आपने जस्ट सीधा किया तो थर्ड जाता है, फिर न्यूट्रल, फिर फोर्थ। तो जैसे किया यहाँ गया थर्ड, ये यहाँ गिरारी होती है, यह गया फोर्थ, कौन सा गया फोर्थ। पर फर्स्ट लगाना हमने तो आपको लेफ्ट चल के आना है और थोड़ा सा आगे करना है, क्या करना है, यहाँ हो गया फर्स्ट, कंपनी ने सेकंड यहाँ पे दिया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इधर, सिक्स गियर भी आ चुका है पर पुरानी गाड़ी में रिवर्स यहाँ पे है। अब आप फर्स्ट में जाल चले गए तो यहाँ शर्त होती है कि यहाँ रेस आपकी 0-20 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0-20। अगर आपने सेकंड में जाना है तो यहाँ झुकाना है, इसी लाइन पर चल के आना है, लेफ्ट और लेफ्ट, सेकंड हो गया। यहाँ शर्त क्या होती है, रेस रहेगी आपकी 20-30 तक, कितना 30 तक। आप इससे तेज चला रहे हैं या फिर आपका माहौल 20-30 का ही है तो आपने क्या रखना है, यहीं पे बनाए रखना है। आगे न्यूट्रल करना है, झुका के फोर्थ, थर्ड, कौन सा आ गया थर्ड, सेकंड से कैसे गए दोबारा देखो, ये गया और ये और ये, थर्ड में चले गए। यहाँ रेस कितनी रहेगी, 30-40, कितना 30-40। आप इससे बढ़िया माहौल में पहुँच गए और 40 से तेज चलाना चाहते हैं तो आपने सबसे सरल गियर थर्ड से फोर्थ होता है, न्यूट्रल और ये फोर्थ,
यहाँ रेस रहेगी आपकी 40 से लेके 50, कितना 40 से 50। इससे तेज चलाना, हाईवे पर चढ़ गए तो रिवर्स ये करना आपने, न्यूट्रल झुका के पाँचवा, देखो सेकंड से थर्ड लगाना और चौथे से पाँचवा लगाने के लिए हाथ सेम चलता है। यहाँ क्या रेस रहेगी 50 से लेके 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। अब ध्यान कर रखना रोड का, रोड अगर सिंगल है तो गाड़ी आपकी रोड के लेफ्ट ही लेफ्ट चलेगी, कहाँ चलेगी लेफ्ट। अगर लेफ्ट टर्न करना है तो छोटा मोड करते हैं, क्या करते हैं छोटा मोड, क्रॉसिंग हो सकती है कोई नहीं भी हो सकती है। जब राइट जाना है तो आपने यहाँ बड़ा मोड करके इधर चले जाना है, क्या चलना है मतलब राइट के लिए बड़ा मोड, लेफ्ट के लिए छोटा मोड, ठीक है। इसे हम करके दिखाएंगे अभी, ठीक है। बोनट के अंदर तीन उंगली डालना है और बोनट को उठा देना है, स्टैंड लगा दो, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं जो हम खुद से रख सकते हैं, बाकी तो हम तो आपने सर्विस करानी है टाइम टू टाइम, तीन सर्विस कंपनी फ्री देती है। उसके बाद आपने 8,000 से 10,000 किलोमीटर के अंदर सर्विस करानी है। यहाँ होता है हमारा रेडिएटर, रेडिएटर में एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे जहाँ से आता है, ठीक है। रेडिएटर में पानी करवाओ, रेडिएटर साफ करवा के जब सर्विस करवाते हो साफ़ करवा के कूलेंट और डिस्टल वाटर भरवाना है, और एक्स्ट्रा बॉक्स यहाँ पे होता है इसमें पानी रहता है, ठीक है। अभी है इसके अंदर तो ये जैसे जैसे यहाँ वर्न होता रहता है वैसे वैसे पानी इसमें आता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे अपना ध्यान रखना नंबर एक काम। दूसरा काम क्या है, बैटरी के तार आपके लूज नहीं होने चाहिए, अगर गाड़ी जंग बैटरी जंग खा रही है तो इसमें ग्रीस लगा के टाइट करके दोबारा से लगा देना है, ठीक है। तो बैटरी की लाइफ बनी रहती है। अगर आप 1.5-2 महीने के लिए गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो बैटरी के ये टर्मिनल खोल के रख देना, तो बैटरी की लाइफ ख़राब नहीं होगी, ठीक है। और हमने ध्यान क्या रखना, जब सर्विस कराते हो इंजन ऑयल इसमें डलता है, उसके साथ ही आपने फ्यूल फिल्टर चेंज करवाना, मिस्त्री खुद कर देते हैं, ठीक है। फिर भी आप अपना ध्यान रखो, यहाँ पर फिल्टर होता है हर गाड़ी में जी, यहाँ से फिल्टर साफ करो, कंडीशन ख़राब है तो नया डलवा लो, ठीक है। उसके बाद ब्रेक ऑयल, जिसके द्वारा ये अभी तक फुल हो रखा है, फुल यहाँ ने खाली होता है, यहाँ निशाना जाता है खाली होते हैं, फुल है तो ब्रेक नहीं लगती है ब्रेक ऑयल से। और हमने क्या ध्यान रखना, देखिए अपना ये वाइपर पानी ये भरा के रखो, इसमें हल्का सा आधा चम्मच सा शैम्पू या हल्के उस कम मात्रा में जिससे इसे साफ होते रहें, उसका ध्यान रखो। तो जब गाड़ी ठंडी होती है तब हमने गाड़ी का ऑयल चेक करना है, निकाल लो आप। अगर ज़्यादा दिन गाड़ी को सर्विस हो गए तो इसको गेज निकालना है, और यहाँ पे देखो पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट तक आपका ऑयल होना चाहिए, ये देखो 2 पॉइंट तक ऑयल है, और इसकी मात्रा चेक करो, अभी मतलब सर्विस नहीं मांग रहा है, गाढ़ा हो जाए काला हो जाए तब हमने गाड़ी की सर्विस करा लेना, मिस्त्री को दिखा देना, ठीक है। और अपना वापस लगा दो, ये करना है आपने ठंडी गाड़ी में, गर्म गाड़ी में ऑयल घुमा होता है। ऑयल हमारे देखो ब्रेक ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया, एक गियर ऑयल होता है वही मिस्त्री चेक करा लो, और एक इंजन ऑयल होता है, ठीक है। फिल्टर हमारे एक ये फिल्टर हो गया और इंजन ऑयल फिल्टर हो गया, और एक हमारा एसी फिल्टर होता है, उसकी क्वालिटी देख लो, अगर चेंज कराने जरूरत हो तो चेंज कराओ, साफ करके काम चल सकता है तो साफ करके चेंज कराओ। मतलब कुछ चीज़ें जो आपने खुद से घर पर ध्यान रखना है, बाकी के अपने मिस्त्री के पास नॉलेज लेते रहना है, ठीक है, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं। वो क्या है, गाड़ी के स्पेशलिस्ट। हम तो सिर्फ नॉर्मल ध्यान रख सकते हैं जिसके इमरजेंसी में अपना काम निकाल सकें, क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रखोगे गाड़ी कहीं और धोखा दे सकती है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे एक इंजन की बेल्ट होती है, बेल्ट की मात्रा यहाँ पे देख लो, वो सिर्फ मिस्त्री बता सकते हैं क्वालिटी कैसी है। आपको लग रहा है उन मिस्त्री को समझ में आता है ख़राब है तो आप उसको चेंज करा लो, ज़्यादा की होती नहीं है, पर इस चीज़ से गाड़ी की लाइफ बनती है इन चीज़ों की। इन चीज़ों का ध्यान रखो, टाइम टू टाइम सर्विस करो, ठीक है। एक स्पेशल बात और ध्यान रखना कि जो इंजन ऑयल जो चेंज करते हैं हर 10,000 किलोमीटर के हिसाब से चेंज करते हैं, पर 20,000 किलोमीटर पर अपने इंजन ऑयल को फ्लैश कराओ, ठीक है, उससे कि इंजन की लाइफ बनी रहती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं थोड़ी ड्राइविंग की तरफ, ठीक है। बंद कर दो स्टैंड, वहाँ से बंद कर दो और ऊपर से इसको छोड़ दो, छोड़ दो, ये हो गया बंद। मैं यू टर्न मारना सिखा रहा हूँ, तो हमने क्या करना है, इंडिकेटर नीचे मारना राइट के लिए, और फर्स्ट गियर लगा लेना, क्या लगाना है ब्रेक पे पैर राइट में देखते हुए, और जब आपको डिवाइडर निकल जाएगा तब आपने राइट में घुमाते आना, क्या करना है राइट पॉन देखते हुए घुमाते आओ, जब लगे कि सड़क पर गाड़ी सीधी होने वाली है तब रोड के लेफ्ट आ जाना है, लेफ्ट से ही गाड़ी वापस लेफ्ट आ जाना है। एक बार और दिखाता हूँ, रेस बढ़ाओ, बढ़ा कर रखो रेस, चलते रहो,
जब भी यू टर्न मारेंगे गाड़ी आपकी लेफ्ट होनी चाहिए, जिससे कि आप इजी घुमा के गाड़ी को टर्न कर सकें। राइट में जाना है हमने, इसलिए राइट का इंडिकेटर दे देना है और डिवाइडर का वेट करना। क्या करना है? डिवाइडर तुम्हारी सीट में आने चाहिए, नीचे मारो डिवाइडर, जब तुम्हारी सीट में आएगा और आगे जान दो, ये हमारे सीट में आने वाला है, तब हम राइट में देखते हुए घुमाते आएंगे, कंटिन्यू घुमाते आएंगे और उतना घुमाएंगे क्लिच ब्रेक के द्वारा कि गाड़ी आपकी रोड के लेफ्ट पहुँचे। बिना रेस के काम करते हैं यहाँ पे हम, और लेफ्ट ही पकड़ना है, लेफ्ट से घुमाया और गाड़ी को लेफ्ट ही लेके जाना है। एक बार वापस और देख लो, रेस मेंटेन करो, हल्का हल्का बना कर रखो रेस, लेके चलो। यू टर्न पर स्पेशल ध्यान रख क्या रखना, सेकंड में जाना है तो हल्का क्लिच और ब्रेक में पैर रोड़ना चाहिए, तो सेकंड में काम कर सकते हैं, या फिर सेकंड में नहीं कर पा रहे हो भीड़ वगैरह है तो फर्स्ट गियर सबसे बेस्ट है। अब जब डिवाइडर का कॉर्नर आ रहा है वो आपके ड्राइवर यहाँ सीट में आने चाहिए हमारे, जैसे हमारी सीट में आएगा अभी आने वाला है, रुको इंडिकेटर मार के अब हम घुमाते आएंगे, जैसे हमारी सीट में आ गया घुमाते आएंगे कंटिन्यू, आगे वाली गाड़ी को देख के दूर है बाइक और पहुँचना किधर है, रोड के लेफ्ट, कहाँ पहुँचना है, और रोड के लेफ्ट ही आपने सीधा करना है और रेस मेंटेन करना है, सीधा सीधा चलते रहना, ये हो गया यू टर्न का तरीका, ठीक है, सीधा सीधा चलते रहो। इस बार हम लेफ्ट में जा रहे हैं, इंडिकेटर ऊपर दे दो, लेफ्ट जब जाना है तो बिल्कुल छोटा मोड करके, जैसे मैंने बोला है ये पॉइंट देखते हुए लेफ्ट बोनेट का और लेफ्ट में देखते हुए, तब हमने क्या करना है लेफ्ट आते जाना, जब लगे हमारी गाड़ी पूरी दीवार के पास जा रही है तब इस बोनेट को हम सीधा करते आएंगे और रोड के लेफ्ट ही चलेंगे। अब राइट जाना, राइट में ध्यान कर रखना, राइट इनके नीचे दो और दीवार के कॉर्नर को देखेंगे, वो हमारी सीट में आनी चाहिए, किस में आनी चाहिए, जैसे हमारे इस मिरर के स्टेयरिंग के सीट में आएगा तब हम राइट वाले पॉइंट को देख के बोनेट के को घुमाते आएंगे, बड़ा मोड करते आएंगे, जब लगे हमारा राइट वाला पॉइंट सीधा होने वाला है तब गाड़ी को रोड के लेफ्ट रख लेंगे। एक बार वापस से फिर देखो, रेस मेंटेन करके चलो, आगे से फिर राइट जाएंगे, इंडिकेटर नीचे दो, जब जब राइट जाना है तो गाड़ी रहेगी लेफ्ट, कहाँ रहेगी, पूरा लेफ्ट रखते हुए गाड़ी को इधर करना है, ब्रेक में पैर लेना है, फिर राइट का कॉर्नर देखना है, दीवार का जैसी कॉर्नर हमारी स्टीयरिंग के सीध में आता है तब हम राइट में घुमाएंगे बड़ा मोड करके, और बोनेट का कॉर्नर देखेंगे, बीच सड़क से ज़्यादा राइट जा रहा है तब सीधा करते आएंगे और रोड के लेफ्ट रखेंगे, अगेन रोड का लेफ्ट देखो, इंडिकेटर ऊपर दो, लेफ्ट मतलब गाड़ी पूरी लेफ्ट, लेफ्ट के लिए छोटा मोड, राइट के लिए बड़ा मोड, ठीक है, लेफ्ट पॉइंट देखते हुए और लेफ्ट मिरर देखते हुए बोनेट का लेफ्ट कॉर्नर देखते हुए छोटा मोड करते आएंगे, सड़क पर नहीं चढ़ते हम, पहले हम सड़क के किनारे पर रखते हैं लेफ्ट में, फिर गाड़ी को सीधा करते आते हैं और गाड़ी को लेफ्ट रख के ही सीधा सीधा चलते रहते हैं और माहौल बनाते हुए सेकंड थर्ड फोर्थ गियर यूज़ कर लेते हैं, रेस मेंटेन करते हुए सीधा सीधा चलते रहो। ये था हमारे लेफ्ट राइट टर्न करने के तरीके, बनाते हुए हाथ हल्का रखते हुए लेफ्ट लेफ्ट चलेंगे, चलते रोड पर चल रहे हैं, स्लो करो, जान दो ऑटो को, लोगों को जाने की आदत डालनी है, वापस रेस ले लो, क्लिच छोड़ो और लेफ्ट लेफ्ट चलेंगे, हाथ हल्का रखेंगे, तो हम चलते रोड पे आ चुके हैं आज, ठीक है, सामने सब्जी मंडी आ रही है, हाँ। उस हिसाब से हमने काम करना है, हमने क्या माहौल पढ़ना है, माहौल क्या कह रहा है, अगर फर्स्ट सेकंड का तो फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ का थर्ड फोर्थ, फिफ्थ लग सकता है पर लगेगा नहीं, माहौल यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ही रहेगा, लेफ्ट देखते रहो, सेंटर देखो, राइट देखो, कहीं से भी लोग निकल सकते हैं, बिना इंडिकेटर के आगे से लोग आ सकते हैं, एक ऑटो चला गया और ट्रैक्टर वाला भी घुस गया, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा ट्रैक्टर वाले ने, दूरी मेंटेन करो, जरूरत पड़ेगी तो फर्स्ट गियर भी लगा लेंगे, पर हमने आगे वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन करना है, जब स्पेस मिलेगा राइट में देखो एक बार और आगे निकल के देखो, निकल सकते हैं ट्रैक्टर से आगे, हल्का हल्का जाओ आगे, तेज करो जल्दी से, हमने क्या किया दोनों ट्रैक्टरों से निकाल दिया, तो माहौल देख के मौके के चौके, हर क्रिकेट बॉल पे क्या कहते हैं क्रिकेटर चौके छक्के नहीं लगाता है, वैसे ही यहाँ भी आपको धैर्य रख के चलना पड़ेगा, रेस मेंटेन करो, सामने ट्रक चल रहा है उसके पीछे पीछे चल रहा है, क्योंकि आगे से भी गाड़ी आ रही है, ठीक है, दूरी मेंटेन करके चलते रहो। अब ये ट्रक ओवरटेक कर रहा है आगे वाले ट्रैक्टरों से, तो हम भी इसके ट्रक के पीछे लगा देंगे, ये सब्जी मंडी आ गई आपकी और उसको मौका नहीं मिला, फिर वापस यहीं आना पड़ेगा, दूरी मेंटेन करके चलो, अभी भी हम ट्रक के पीछे चल रहे हैं, वो गाड़ी ओवरटेक करेगी उसको, उसको जाने दो, आप इसके पीछे पीछे चलते रहो, ठीक है, यहाँ गाड़ी आपकी बम्पर टू बम्पर गाड़ी चल रही है, दूरी मेंटेन करना किसी भी हालत में, ये देखो बम्पर टू बम्पर इतना कम ना हो, दो तीन फुट जगह छोड़ रखी है, ये गाड़ी घुस रही है, इसको जाने दो,
मौके का वेट करूं, हल्का हल्का रेस बढ़ाते जाओ, अपने माहौल में आते जाओ। इस गाड़ी के पीछे चलते रहेंगे, अब जैसे मौका मिलेगा। थर्ड की पोजीशन हमने ये बना ली है, रेस बढ़ाओ धीरे धीरे। अभी बताएंगे थर्ड गियर के लिए, तो 30 की रेस बनानी है। थर्ड गियर क्या करना है, बढ़ाओ 30 की रेस। रेस को छोटे के लिए दबाओ, बड़े पैर से आगे न्यूट्रल करो, एक बार और कर दो। ये हो गया थर्ड, कौन सा हो गया। अभी भी हम किसी गाड़ी को कवर करके चल रहे हैं, तो वो हमारी गाड़ी रास्ता खाली कर रही है, तो इसका भी हमें फायदा उठाना है। पूरा डिवाइडर कवर कर रखो, बनाए रखो रेस, चलते रहो। पीछे बाइक वगैरह नहीं हो, आगे ट्रैक्टर है। तो आज फोर्थ का मौका नहीं मिला, तो आज हम थर्ड में काम करते रहेंगे। ठीक है, टक ओवरटेक कर रहा हूँ, अभी रेस बढ़ाओ धीरे धीरे। चलो फॉरन लेते हुए, आंधी उड़ाता हुआ निकला है, वापस रेस ले लो, फिर दोबारा कवर कर लेंगे। रेस बनाए रखो, हाथ हल्का रखो, अगर समय मिला चौथा गियर लगाने का, 40 रेस प्लस करो। अब रेस छोड़ के क्लिच दबाओ और दो बार पीछे, एक दो, रेस बढ़ाओ, क्लिच हो, हाथ हल्का रखना, डिवाइडर मत छोड़ना, इसका फुल फायदा उठाओ हल्के हाथ से। ठीक है, तो इस ये बिकाने नहीं रुकेगा, जब उसने देख लिया हमारी गाड़ी तेज आ रही है, पर हल्का सा स्पेस मिलते ही बंदा घुस जाएगा। रेस मेंटेन कर, हाथ हल्का, तो मत कहने का मतलब यह कि आप अपने कंट्रोल में गाड़ी चलाओ, ठीक है, दूरी मेंटेन में चलते रहो। हमें डिवाइडर कवर करना है, राइट साइड देख लो, फुल डिवाइडर कवर करने के बाद 30 की रेस बनानी है। जैसी 30 की रेस बनेगी दीपेश, रेस को छोड़ क्लिच दबाओ, बड़े पैर से आगे न्यूट्रल करो और सीधा रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ते हो, हाथ हल्का रखेंगे। आपकी डायरेक्शन पहले सही था, लास्ट टाइम पे आपने थोड़ा सा तिरछा कर दिया, पर लास्ट में फिर आपने सुधार भी दिया। रेस मेंटेन रखो, हाथ हल्का रखो, स्लो करो, आगे वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन करना है, बिल्कुल जैसा माहौल रहेगा वैसे काम करना है। उधर से राइट से देखो, स्कॉर्पियो भी घुस रही है, इतना दूर किसी भी कंट्रोल में आपने करना ही है, चाहे उसके लिए फर्स्ट गियर क्यों ना लगाना पड़े। समय का वेट करो, चौथे का माहौल नहीं बनना। ये देखो ब्लोर ले, कैंपर लेके घुस गया, जाने देंगे इसको। दूरी मेंटेन करो, पूरा क्लिच दबाओ, सेकंड लगाओ, क्लिच नीचे उल्टा हाथ करो और लेफ्ट झुका के पीछे। तो जैसा माहौल वैसे हमने गियर यूज किया है हमने, दूरी मेंटेन करते हुए, हाथ हल्का रखते हुए, कंट्रोल वाली रेस लेके, क्योंकि आगे वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन नहीं करो गाड़ी ठुक जाएगी। ठुकने के बाद भी क्या होता, अचानक हो गया, उसने अचानक ब्रेक मार दिया, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, तो गलती आपकी है। वहाँ पे समय नहीं मिल रहा उस ट्रक के चक्कर में, तो दूरी मेंटेन चलते रहो। सेकंड का माहौल है, सेकंड में चलो, थर्ड का माहौल है थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, फिफ्थ का फिफ्थ, माहौल के अकॉर्डिंग हमने काम करना है, ठीक है, चलते रहो धीरे धीरे। ये गाड़ी दो जबरदस्ती लेके घुस गया, फिर पीछे देखो राइट में, हमने डिवाइडर ही कवर करना है, इससे भी दूर रहेंगे, तो उतना दूरी मेंटेन करो, कम से 10 फुट दूर करके चल रहे हैं हम सेकंड गियर में, कम 15-20 कदम पीछे रखो, ऑटो भी घुस गया, इससे भी दूर बनाएंगे। गाड़ी आ रही, आने दो, बस आपने दूरी मेंटेन करते रहना है, ठीक है, काम समझ में आ रहा है। हाँ गुड, रेस मेंटेन करके हाथ हल्का रखते हुए धीरे धीरे जिस गियर में उस गियर में चलने की कोशिश करो। बहुत बढ़िया, अब सामने ब्रेज बैगनर घुस गई है, तो इससे दूरी मेंटेन करो। तो अब हमें क्या, थोड़ा सा खुला एरिया मिल गया, रेस मेंटेन कर लो, फिर थर्ड लगाएंगे, क्लिच नीचे, बड़े प्यार से न्यूट्रल आगे सीधा, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ते हो, जाने दो बोलेरो को, समय का वेट करेंगे, 40 का रेस बनाओ, जाने दो उस गाड़ी को, हम तो समय लेके 40 की रेस बनाएंगे। 40 की रेस बन गई, रेस छोड़ो, क्लिच नीचे करो, दो बार पीछे, एक दो, ये हो गया चौथा गियर, इस गाड़ी का टॉप गियर। जिस गाड़ी में पांचवा गियर है उसमें क्या करना, हल्का सा आगे किया, राइट किया और आगे कर दिया, तो ये क्या हो गया पांचवा गियर, और इस जिसमें छठवां गियर है पांचवा पीछे कर लेंगे। बिल्कुल, रेस मेंटेन रखो, हाथ हल्का रखो, जिस गाड़ी में जैसा गियर है उस हिसाब से काम करो और अपने कंट्रोल में गाड़ी चलाओ। आगे वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन करना आना चाहिए, बैलेंस अच्छा बनाना आना चाहिए, रेस कंट्रोल के लिए आना चाहिए, अलर्ट रखो अपने आप को, तीनों मिरर देखते रहो बीच बीच में, पर सबसे ज़्यादा क्या देखें, डिवाइडर हैं तो राइट और लेफ्ट देखेंगे, और जब लेफ्ट चल रहे हैं तो राइट और सेंटर देखेंगे, ठीक है। रेस मेंटेन करके हाथ हल्का रखते हो, चलते रहो, जाने दो गाड़ी को, जैसा कंट्रोल हो वैसे आपने गाड़ी चलाना है, कोई दिक्कत काम समझने में पहला दिन याद है। तो यहाँ के अपना काम हो गया कंप्लीट, अब क्या सिर्फ आपका अभ्यास कराना है, जो मेंटेन करके हाथ हल्का रखते हुए आगे वाली गाड़ी को देखते हुए हम क्या करेंगे, धीरे धीरे राइट चले जाएंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल पीछे देखो, डिवाइडर कवर कर लिया, रेस बनाते हुए। तो हमने यहाँ क्या देखा, जब आपको ओवरटेक करना है तो तेज करना है, बिल्कुल, और जब आपकी गाड़ी को ओवरटेक करेंगे उस टाइम क्या करना है, स्लो करना है, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए
बनाए रखो रेस। तुम तो फौज में बढ़िया नौकरी कर सकते थे क्योंकि हर चीज के लिए हाँ है तुम्हारा। बोलो गोली मारेगा हाँ, फौज में जाएगा पार चढ़ेगा हाँ, ना है ही नहीं तुम्हारे पास। स्लो करते हो, लेफ्ट आ जाएंगे, रेस बढ़ाओ। उसने डिबार कवर कर लिया, हम लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे हैं। रेस बढ़ाओ, सीधे सीधे चलते रहो, पर ओवरटेक कर रहा है, स्लो करो। उसने ओवरटेक करना शुरू कर दिया, लेफ्ट संभालो। अब लेफ्ट चलते रहेंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट रखो। तो उधर क्यों जा रहे हो, गाड़ी आ रही है तो गाड़ी उधर आ रही है, उधर ही ढकेले जा रहा है। इंश्योरेंस ले रखा है क्या? हाँ प्लान हो जीते जी, मम्मी पापा मैं कुछ नहीं कर पाया, इंश्योरेंस से आप कर्ज उतार देना लोगों का। चलते रहो दूरी मेंटेन करके। जैसा तुम्हारा कंट्रोल होगा दीपेश, वैसे कार चलेगी। पहला दिन आ रहा दीपेश, कोई कमी तो नहीं रही? फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, गली मोहल्ले हाईवे कहीं भी आके ऐसा कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। और अब तो अपनी गाड़ी भी चलाने लग गए हो, स्पीड भी बढ़िया आ रही है। मतलब कहाँ से कट मार रहा है, ऐसे लोगों में चक्कर में गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। रेस बना के हाथ हल्का रखते हुए चलते रहो, बहुत बढ़िया। तो जैसा कंट्रोल रहेगा वैसे आपने काम करना है। बस और ट्रक वालों को हॉर्न मारना है, देख लो आप पक्की स्पीड आज कंटिन्यूसली बनी रही है। तो थैंक यू बोल सकते हो सर, आप बढ़िया से गाते हो। रेस में हाथ हल्का रखते हुए सीधा सीधा चलता है, बहुत बढ़िया।